तो दोस्तों एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर बस रिलीज होने वाली है। हम सभी मार्वल फैंस के लिए ये मूवी काफ़ी लंबे इंतज़ार का फल है, क्योंकि इसके लिए हम अब तक 18 मूवीज़ देख चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये सब मूवीज़ नहीं देखी है और वो भी इन्फिनिटी वॉर को देखना और एन्जॉय करना चाहते हैं। इसलिए आज मैं एमसीयू की कुछ ऐसी मूवीज़ के नाम बताने वाला हूँ जिसे देखने पर आपको इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी समझने में आसानी होगी और आपको पूरी 18 मूवीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहली मूवी है द एवेंजर्स। ये फिल्म एमसीयू में 6 नंबर पर है। ये मूवी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार सुपर हीरोज की एक टीम बनी थी जो कहलाते हैं एवेंजर्स। अगली फिल्म है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। ये फिल्म एमसीयू में 10th नंबर पर है। इस फिल्म से एमसीयू में कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की एंट्री हुई जिन्हें जाना जाता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नाम से, और इसी फिल्म में हमें इन्फिनिटी स्टोन्स और थैनोस के बारे में पता चला। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स क्या है और थैनोस कौन है तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। ये फिल्म एमसीयू में 11th नंबर पर है। इस फिल्म में सभी हीरोज एक बार फिर दुनिया को बचाते हैं। इस फिल्म में कुछ ऐसी डिटेल्स है जिसे इन्फिनिटी वॉर देखने से पहले जानना ज़रूरी है। इसके बाद है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। ये फिल्म एमसीयू की 13th फिल्म है। इस फिल्म में गवर्नमेंट के एक फैसले के बाद सभी सुपर हीरोज दो अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाते हैं। अगली मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज। ये फिल्म एमसीयू में 14th नंबर पर है। इस फिल्म में एक टैलेंटेड न्यूरोसर्जन डॉक्टर स्ट्रेंज बनते हैं एक महान जादूगर। डॉक्टर स्ट्रेंज का इन्फिनिटी वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद है ब्लैक पैंथर। ये फिल्म एमसीयू में 18th नंबर पर है। इस फिल्म में वकांडा नाम की एक स्पेशल कंट्री दिखाई गई है और हमें वकांडा के राजा यानी ब्लैक पैंथर की स्टोरी देखने को मिली। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वकांडा और ब्लैक पैंथर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट फिल्म है थॉर रैग्नारोक। ये फिल्म एमसीयू में 17th नंबर पर है। हालांकि ये फिल्म ब्लैक पैंथर से पहले रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी ब्लैक पैंथर के आगे की है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वहीं से शुरू होगी जहां थॉर रैग्नारोक खत्म हुई है। तो दोस्तों ये थी वो कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले देखना जरूरी है। और अगर आप मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी एमसीयू एक्सप्लेन वाली वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.